इक्लिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपनी एंड परफेक्ट कंपिटिशन टू जब हम बात करते हैं कंडीशन की तो वो हम यूजली बात करते हैं विद रेफरेंस टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की यहां पे बात कर रहे हैं तो हम यहां पे बात कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद रेफरेंस टू क्वांटिटी ऑफ इनपुट आर रिसोर्स यूज की और ये जो क्वांटिटी ऑफ इनपुट आर रिसोर्स यूज है इट चेंजेस विद चेंज इन कंपटीशन इन बाइंग बाइंग एंड सेलिंग मार्केट और जो आपके पास प्राइस ऑफ इंपोर्ट और रिसोर्स यूजेज है ये भी क्या हो रहा है इट आल्सो चेंजेस विद चेंज इन इन कंपटीशन बाइंग एंड सेलिंग मार्केट कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनपुट विल बी यूज एंड हाउ मच प्राइस विल बी पेड फॉर द यूज ऑफ दैट इनपुट ये वेरी करेगा विद द चेंज इन मार्केट कंडीशन अब उस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस डायग्राम में चार डिफरेंट मार्केट्स का इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनपुट विल बी एंड हाउ मच प्राइस विल बी पेड अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन हांजी जो हम, मैं जिस मार्केट की सबसे पहले बात कर रहा हूं दैट इज द मार्केट ऑफ मोनोपसनी एंड मोनोपली और हमने उसको आप लें हाईलाइट किया है विथ ग्रीन कलर इस अंडर कंडीशन ऑफ मोनोपसनी एंड मोनोपली हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनपुट विल बी एंड हाउ मच प्राइस विल बी पेड टू इनपुट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और इस केस में जो मेरे पास यूजेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट है वो उसको हम डिनोट करें विद क्यू एम एम और जो आप प्राइस पे कर रहे हो दैट इज इक्वल टू पी एम एम हाँ आपको मेरा ये बात तो याद ही होगी कि जब हम मोनोपनी की बात करते हैं इट रेफर टू अ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल बायर क्या देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ पर्टिकुलर इनपुट और मोनोपली को हमने कहा था कि दिस इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर अब सेकेंड मार्केट कंडीशन क्या थी हमने वहां पे बात की कि बाइंग इज इन परफेक्ट कंपिटिशन वाइल सेलिंग इज अंडर मोनोपली तो यहां पे जो आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ इनपुट है, या क्वांटिटी ऑफ इनपुट विल बी यूज्ड बाय प्रोड्यूसर इट इज इक्वल टू क्यू पी सी एम और इस क्वांटिटी के लिए जो प्राइस पे की जाएगी इनपुट को की जाती है दैट इज इक्वल टू पी पी सी एम के जब आप मार्केट आपकी मोनोपोली है लेकिन आपकी जो बाइंग वाली मार्केट है वो मोनोपनी से परफेक्ट कंपटीशन में मूव की तो क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड प्राइस दैट दैट इज पेड टू द इनपुट वो क्या होगी इट इंक्रीजेस फिर इसी पैटर्न पे हमने एक थर्ड यहां पे आप मार्केट कंडीशन शो, शो कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं एंड परफेक्ट इन सेलिंग हाँ जी हमने उसको हाईलाइट कर दिया इस डायग्राम में विद ब्लू कलर ये जो ब्लू कलर के साथ हाईलाइटेड है मेरे पास मुनापनी में क्या था वेन देयर इज अगल बायर ऑफ इनपुट परफेक्ट कंपिटिशन इन सेलिंग क्या है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर दैट आर प्रोड्यूसिंग सम होमोजीनियस गुड इन दार्केट हां जी इस मार्केट कंडीशन में क्या हो जाएगा ही विल जी हमने उस क्वांटिटी ऑफ इनपुट को इस डायग्राम में शो किया विद विद ब्लू बैकग्राउंड और वो मेरे पास क्या होगी दैट इज इक्वल टू क्यू एम पी सी और जो मेरे पास प्राइस होगी इस क्यू एम इक्वल टू पी एम पी सी फिर इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें कि जी बोथ बाइंग एंड सेलिंग इज अंडर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट तो हमने उसके लिए आप लें हमने उस टेक्स्ट को उस मार्केट इक्विलिब्रियम को वहां पे इनपुट जोसेज को शो करने के लिए हमने उसको हाईलाइट कर दिया विद पिंक कलर और वो पिंक कलर मुझे हाईलाइटेड टेक्स्ट जब मैं डायग्राम में देखता हूं तो मुझे बता रहा है कि जो मेरे पास ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ इनपुट जोसेज है दैट इज इक्वल टू क्यू पी एंड प्राइस जो पे हो रही है दैट इज इक्वल टू पी पी अब अगर मैं इस सारे को अगर समराइज कर दूं तो वो कुछ इस पैटर्न में कह सकता हूं देयर इज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूजेज विद चेंज इन मार्केट कंडीशन दैट लाइ इन बाइंग एंड सेलिंग हाँ जी प्राइस भी क्या हो रही है कि प्राइस दैट इज पेड टू द इनपुट वो भी क्या हो रही है दैट प्राइस इज आल्सो चेंजेस विद चेंज इन मार्केट कंडीशंस हाँ जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज हो रहा है और मैक्सिमम प्राइस इनपुट को पे की जा रही है दैट इज अंडर मार्केट कंडीशन ऑफ परफेक्टली कंपटीशन इन बाइंग एंड सेलिंग हाँ और जो आप कह लें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज हो रहा है और मिनिमम प्राइस इनपुट को पे की जा रही है दैट इज अंडर द मार्केट ऑफ मोनोपनी एंड मोनोपोली हाँ जी वेलफेयर परस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो जो सबसे आप कह लें बेहतर मार्केट है दैट इज द मार्केट वेयर बोथ बाइंग एंड सेलिंग इज कैरीड आउट अंडर परफेक्टली मार्केट और अनडिजायरेबल कौन सी है इज द मार्केट मैं यहां पे बात करूं भी सोसाइटीज वेलफेयर वो होगी वेयर बाइंग इज अंडर मोनोपनी एंड सेलिंग इज अंडर मोनोपली